बिग बॉस ओटीटी 3 के गुजरते दिन के साथ घर में हलचल बढ़ती ही जा रही है। रोज कुछ ना कुछ नया ड्रामा होते ही रहता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अब घर में हेड ऑफ द हाउस होगा और अरमान मलिक घर के पहले हेड ऑफ द हाउस बन गए हैं। इसके साथ ही आज के एपिसोड में देखने को मिला है कि वो घर को कैसे चला रहे हैं, बिग बॉस का उनके काम पर क्या और कैसा रिएक्शन है। इसी के साथ घर में आपसी रिश्तों में फेरबदल भी देखने को मिल रही है। तो आइए जान लेते हैं रीसेंट एपिसोड के कुछ मेन हाइलाइट्स। हेलो एंड वेलकम बैक टू फन एंड चिल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं एंटरटेनमेंट का डेली डोज। शो में दिखा कि कैसे लवकेश कटारिया साई केतन से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। लवकेश बैठकर साई से कहते हैं कि कल की गाली वाली बात पर वो उन्हें माफ कर दें, लेकिन साई का गुस्सा है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो गुस्से में कहते हैं कि माफी ढंग से तो मांग ले। इस बीच अरमान भी आ जाते हैं और वो साई से कहते हैं कि वो लवकेश को माफ कर दें। इसके बाद बात आई नॉमिनेशंस की, जिसमें बिग बॉस ने चौंकाते हुए बताया कि अब कोई घर वाला किसी को नॉमिनेट नहीं कर पाएगा और ये काम बस हेड ऑफ हाउस को ही करना होगा। इसी के मद्देनजर अरमान से उनके चार नाम पूछे गए, जिसके बाद उन्होंने चार लोगों का नाम बताया। अरमान ने सना मकबूल, सना सुल्तान, लवकेश और विशाल को इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट किया और बाद में बिग बॉस के नॉमिनेट किए गए अरमान मलिक और अदनान हैं। तो इस हफ्ते जो कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं वो हैं सना मकबूल, सना सुल्तान, लवकेश और विशाल, अरमान और अदनान। जब नॉमिनेशंस के बाद सभी आपस में बात कर रहे थे तो बिग बॉस का सभी के फोन पर मैसेज आता है। इस बार भी सबको आपस में बात करने का मौका मिलता है। कंटेस्टेंट अंदाजा लगा रहे हैं कि बाहर वाला कौन है। वहीं तीनों बाहर वालों को बिग बॉस ने अलग मैसेजेस दिए हैं, जिसमें एक पावर छुपी हुई है। बिग बॉस ने एक बार फिर से अनाउंसमेंट किया और सोती हुई शिवानी को पहले तो उठाया और फिर उन्होंने कहा कि सबको लेकर लिविंग एरिया में आ जाए। जब सारे लोग वहां आ जाते हैं तो वो बताते हैं कि आज फूल बांटेंगे, लेकिन किन्हीं चार लोगों को ही ये मिलेंगे। शिवानी, रणवीर, नेजी और साई केतन को बिग बॉस ने फूल देने का फैसला किया। इसके बाद बगीचे वाला एक टास्क होता है, जिसमें चारों को फूल इकट्ठा करना है। इसके बाद जीतने वालों को वीटो पावर मिलेगी। इसके बाद टास्क के दौरान ही विशाल और साई का भयंकर झगड़ा हो जाता है। दोनों के बीच गाली गलौज काफी हद तक बढ़ जाती है। बाकी लोग दोनों को शांत करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वे चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। विशाल बिग बॉस से कहते हैं कि साई ने उन्हें धक्का मारा है, साथ ही रणवीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा फूल इकट्ठे कर लिए हैं। टास्क के दौरान सना मकबूल और रणवीर के बीच भी बहुत कहासुनी हो जाती है। रणवीर टास्क जीत जाते हैं और वो दीपक को बाकी सदस्यों के साथ नॉमिनेट कर देते हैं। वो दीपक से कहते हैं कि उन्होंने मेडिकल कारणों से उनका नाम लिया। बाद में विशाल और सना के बीच तीखी बहस हुई। विशाल सना से थोड़े देर के लिए खफा भी दिखे। बाद में अरमान, रणवीर और साई के बीच कुछ बातें हुई और तीनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो ये थी बिग बॉस की अभी तक की रीसेंट अपडेट। आपको इसमें से कौन सी चीज अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट्स के साथ। टिल देन गुड बाय।